बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे कीमे का कबाब। तो यहाँ पे हम मटन का कीमा है, ये आधा किलो है, ये मशीन का पिसा हुआ है, और अगर आपका हाथ का कुटा हुआ है तो उसमें आप जो है पपैया डालना पड़ेगा टेबल स्पून पीस के, तो उससे भी वो गल जाता है, लेकिन मेरा मशीन का है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। तो ये है आधा किलो यानी 500 ग्राम कीमा है, हमने धुला और छन्नी में रख दिया, इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निकल गया, अब पानी बिल्कुल निकलना चाहिए। और यहाँ पे भुने चने का हमने जो है आटा लिया है, उसको पीस लिया, भुना चना को हमने पीसा है, और 4 टेबल स्पून है ये। अगर आपके पास भुना चना नहीं है तो आप बेसन डाल दीजिए, मैदा डाल दीजिए, आटा गेहूँ का डाल दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो 4 टेबल स्पून हमने लिया है भुने चने का आटा यानी बेसन, और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पे 1 नींबू का रस हमने निकाल के ले लिया है। यहाँ पे देखिए हमने चिली फ्लेक्स डाला है 1 टीस्पून हमने लिया है कुटा हुआ भुना जीरा, और ये धनिया है 1 टीस्पून, और मैंने 5 चम्मच लिया काली मिर्च, और यहाँ पे हमने लिया है कबाब का मसाला है। तो यहाँ कबाब का मसाला हमने पहले से बना के रखे हुए हैं, अभी हमने वीडियो अपलोड नहीं किया, अगर आप लोग को चाहिए तो बताइएगा तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो जैसे कबाब के मसाले में हमने कबाब, चीनी, काली मिर्च, धनिया और जीरा और लाल मिर्च ये सब मिला के हमने इसको पीस लिया है, ठीक है। दर दरा से देखिए ना, आप बिल्कुल देख रहे हैं, पास से दिखा देती हूँ, बोला मोटा मोटा सा हमने पीसे हुए हैं। तो 1 टीस्पून हमने ये ले लिया है, और 1 टीस्पून हमने लिया नमक, और यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और 2 टेबल स्पून हमने धनिया लिया है बारीक कटी हुई, और 1 टेबल स्पून हमने लिया है पुदीना बारीक कटा हुआ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। हमने कद्दूकस कर लिया है 1 बड़े साइज की प्याज, और इसका पानी बिल्कुल निचोड़ दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारी इन चीज़ों को कीमा में डाल देंगे। यहाँ पे देखिए हमने कीमा लिया है, इसमें डाल देंगे, और प्याज का पानी बहुत ज़रूरी है निकालना, नहीं तो आपका कबाब जो है फट जाएंगे। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी चला जाएगा, लेमन जूस चला जाएगा, इससे बहुत अच्छा चटकारा और जूसी बनेगा। और यहाँ पे सारे मसाले जो हमने दिखाए थे, धनिया है ये हमने कोट लिया है बारीक, हमने इसको पीस लिया है, वो तो कुटे हुए डालेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पर डाल देती हूँ मैं भुने चने का आटा, अब इनको अच्छे से मिला लूँगी। अच्छा, मेरा कीमा जो है फैट वाला है, उसमें चर्बी है, अगर आपका सूखा कीमा है तो उसमें आपको 1 टेबल स्पून घी, तेल, कुछ भी आपको डालना पड़ेगा, ओके। नहीं है तो चर्बी भी आप डाल सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया, और यहाँ पे आप नमक वगैरह चेक कर लें, अगर कम लगे तो डाल दीजिए, अगर मिर्च आपको ज़्यादा पसंद है तो मिर्चा आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो ये अभी इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, ताकि बहुत अच्छा सेट हो जाएगा, बहुत यम्मी और टेस्टी है कबाब बनेगा, मटन कबाब बहुत यम्मी लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे तो ना इसमें हरी प्याज भी बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप लोग के पास है तो ज़रूर डालिएगा। चलिए, जब तक मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दिया, मैं 1 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ, अल्लाह। देखिए हमारे जो है मटन को 1 घंटा हो गया रखे हुए, बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो हमें छोटे छोटे बॉल लेंगे इस तरह से, और एक गोल टिक्की बना लेंगे इस तरह से लेंगे, फिर इसके बाद इसको इस तरह से मैं गोल गोल टिक्की बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से सारे बना लेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे जो है कबाब की टिक्कियाँ बना लिया है, आप चाहे तो गोल गोल भी आप बना सकती हैं, मैंने एक बना के रखा है वो आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से आप भी गोल गोल बना सकती हैं, इसे कोफ्ते जैसा, आपकी मर्जी, जैसा शेप देना चाहें। तो यहाँ पर हमने तेल रख दिया गर्म होने के लिए, ये देखिए तेल गर्म हो गया है, तो मैं इसमें कबाब की टिक्कियाँ डाल देंगे। यहाँ पे देखिए आपको गोल्डन फ्राई करना है कबाब को, यहाँ पे हमारे जो है मसाला से देखिए बहुत अच्छा से गोल्डन हो गया है, और मैं इसको इसी तरह से हम सारे जो है कबाब फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो है मटन के, कच्चे मटन के कीमे का जो है कबाब बनकर रेडी हो गया है, और मसाला उसके साथ मैंने बहुत यम्मी और टेस्टी चटनी बनाया है। और यहाँ पे देखिए हमारी वीडियो होती है क्लास। अच्छा, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दिया करें, ये सब आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। अल्लाह हाफिज। Mm-hmm.